नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको रिसर्च की मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में बताया, और इस वीडियो में मैं आपको रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च हाइपोथेसिस के टाइप्स के विषय में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके अलावा सोशियोलॉजी, एजुकेशन और नेट के कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें रिसर्च का एक यूनिट होता है, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा क्रेट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि क्रेट के एग्जाम में भी रिसर्च हाइपोथेसिस पे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मल्टीपल गोल ओरिएंटेड ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर रिसर्च हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन में सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करूंगा और इसके विषय में बताऊंगा। सबसे पहली बात, रिसर्च क्वेश्चंस होता क्या है, रिसर्च हाइपोथेसिस होता क्या है, तो मीनिंग ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट्स, रिसर्च हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब था हाइपो यानी कल्पना, और काल्पनिक, और थीसिस यानी विचारधारा। अब इस दृष्टिकोण से काल्पनिक विचारधारा, अब कल्पना पर आधारित एक विचारधारा, परंतु ये कल्पना और काल्पनिक विचारधारा में काफी डिफरेंस है, यानी हाइपोथेसिस और फिक्शन में काफी डिफरेंस है। कल्पना यानी फिक्शन में हम किसी भी बात को विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जैसा हमें लगा हमने वैसी थॉट कर ली, परंतु इट इज नॉट नेसेसरी, यह जरूरी नहीं कि कल्पना में रेशनलिटी, कल्पना में एक तार्किकता हो। सो इन दैट कॉन्सेप्ट इस रिसर्च हाइपोथेसिस में तार्किकता होना जरूरी है। सो इस दृष्टिकोण से फिक्शन और हाइपोथेसिस में काफी डिफरेंस होता है, फिक्शन और हाइपोथेसिस में हम काफी डिफरेंस देखते हैं। सो जब हम रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी एक रिसर्च हाइपोथेसिस का एक एस्पेक्ट है। रिसर्च क्वेश्चन इज एन एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। द डिफरेंस इज दैट इन रिसर्च हाइपोथेसिस, व्हाटएवर वी डील इन स्टेटमेंट फॉर्मेट, वेयर एज इन रिसर्च क्वेश्चन वी डील इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस में हम जो भी कहते हैं कथनाकार स्वरूप में कहते हैं, और रिसर्च हाइपोथेसिस में हम जो भी कहते हैं क्वेश्चनाकार स्वरूप में कहते हैं। अब रिसर्च हाइपोथेसिस का जनरली प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास थोड़ा बहुत उस विषय पर, जिस विषय पर हम शोध कर रहे हैं, अनुमान होता है। बेहतर अनुमान लगाने के दृष्टिकोण से हम रिसर्च हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, परंतु जब ऐसा विषय हो जिस पर हम बेहतर अनुमान नहीं लगा पाते, यानी पूर्ण रूप से अनुमान लगाने में हमें कठिनाई महसूस होता है, यानी ऐसा विषय हो जो पहली बार प्रयोग किया जा रहा हो या जिस पर बहुत कम अधिक शोध हुआ हो, तो उन ऐसे रिसर्च टॉपिक पर हम अनुमान लगाने में कठिनाई महसूस करते हैं, और इस प्रकार के रिसर्च टॉपिक में जनरली हम शोध प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इस पर और अधिक डिस्कस करने से पहले मैं रिसर्च हाइपोथेसिस की मीनिंग को पहले क्लियर करना चाहूंगा। हाइपोथेसिस, जैसा अभी मैंने बताया, कि एक काल्पनिक विचारधारा है परंतु तर्क पर आधारित होता है। किसी सिद्धांत से जुड़ी अवधारणाओं के बीच के सिद्धांतों को अभिव्यक्त करने वाले अपरीक्षित कथनों को प्राकल्पना कहते हैं। प्राकल्पना, उपकल्पना, परिकल्पना, कई नामों से हिंदी में और इंग्लिश में हाइपोथेसिस। तो किसी सिद्धांत से जुड़ी, यानी एनी थॉट, एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू थ्योरी, एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनी थ्योरी, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट टू फॉर द दैट रिप्रेजेंट दैट थ्योरी इज नोन एज हाइपोथेसिस। स्टेटमेंट यूज टू present the relations between concept related to any theory is known as hypothesis. तो किसी सिद्धांत से जुड़ी अवधारणाओं के बीच संबंधों को अभिव्यक्त करने वाले अपरीक्षित कथन को हम प्राकल्पना कहते हैं। स्टूडेंट, एक परिभाषा या एक व्याख्या इसका विकिपीडिया पे बहुत सुंदर दिया है, उसमें कहा गया है कि सीमित साक्ष्यों के आधार पर निर्मित एक अनुमानित या प्रस्थापित विश्लेषण जिसका प्रयोग एक प्रायोगिक बिंदु के रूप में, जिसका प्रयोग, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जिसका प्रयोग एक प्रायोगिक बिंदु के रूप में भविष्य के खोज के लिए किया जाता है, उसे हम प्राकल्पना कहते हैं। यानी हाइपोथेसिस क्या है, एक प्रकार से एक एक
उपकल्पना एक कल्पना है जो कि एक आधार स्वरूप कार्य करता है किसी शोध को करने के लिए। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जब किसी कार्य को हम करना शुरू करते हैं, चाहे वो शोध हो जाए, आम जीवन आम जन जीवन में कोई घटना हो, तो हम पहले किसी एक मौलिक वैचारिकी या विचारधारा का निर्माण मस्तिष्क में कर लेते हैं और फिर उस विचारधारा के आधार पर हम उस कार्य को परिणित करते हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए तो रिसर्च उपकल्पना एक प्रकार से ईट है जिन पर आधारित हम मकान को निर्मित करते हैं, यानी दे आर द ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द पिलर और कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस। सो इन दैट डेफिनेशन इन विकिपीडिया डिफाइंड इट दैट अ सपोजिशन और प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज हाइपोथेसिस। So that is a starting point on the basis of which we do the research। अन्य शब्दों में कहा जाए तो प्राकल्पना बिना सत्य की कल्पना हेतु निर्मित तर्क की एक पूर्वसर्ग है। That is a proposition made as a basis for reasoning without any assumption of its truth। So in that context हम देखें तो हमें अभी सत्य का पता नहीं और हम एक अनुमान बना के पूर्व सर्ग बना के चल रहे हैं, प्रपोजिशन बना के चल रहे हैं कि शायद ऐसा ही हो। इस अनुमान पे हम उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक प्रकार से क्या है कि इसमें हम चरों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो शोध में चर बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होते हैं। जब हम चरों को उठाते हैं तो उन चरों के बीच में अंतर संबंधों को ढूंढते हैं, उन अंतर संबंधों के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं, मीनिंग देते हैं। सो इन दैट पॉइंट यहाँ पर हम देखें तो प्राकल्पना जो है वो एक कुछ चरों के आधारों पे निर्मित हमारी वैचारिकी है। अब एक रिसर्च स्कॉलर एक रिसर्च करने जा रहा है, एक शोध करने जा रहा है, तो शोध के दौरान कुछ अनुमान बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक रिसर्च स्कॉलर कैंसर पे रिसर्च कर रहा है और ये देखना चाहता है कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो कैंसर के कारण जानने के दृष्टिकोण से वो कुछ अनुमान को रखेगा कि शायद जैसे अनुमान बनाते हैं धूम्रपान से कैंसर होता है, जैसे स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, या कुपोषण से कैंसर होता है, माल न्यूट्रिशन कॉजेज कैंसर, या अनिद्रा से कैंसर होता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स कॉजेज कैंसर। तो यहां पर क्या कर रहा है कि वो दो तीन एजम्पशन बना रहा है कार्य को करने के पूर्व में। अब यहाँ पे एक जो बात मुख्य है रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना चाहूंगा। देखिए जनरली जब हमें थोड़ा बहुत अनुमान होता है अपने विषय के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सटीक ज्ञान है, थोड़ा सटीक अनुमान है, गहराई से उस चीज के विषय में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, तो ऐसी दशा में हम उपकल्पना निर्मित करते हैं। परंतु जब कोई बहुत नया विषय जिस पर शोध हो रहा है या जिस पर अभी हम ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं ज्यादा शोध अभी तक नहीं हुआ है, तो ऐसे विषयों में हम रिसर्च क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रिसर्च स्कॉलर कोरोना वायरस पर की समस्या क्यों हो रही है उसके कारणों को जानने का प्रयास करता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर बीइंग कोरोना वायरस विथ इन्फेक्शन ऑफ कोरोना वायरस। सो इन दैट कॉज इन दैट केस व्हाट ही डज ही विल पुट सम क्वेश्चंस, जैसे कुछ क्वेश्चंस रखेगा, जैसे हम उसमें डायरेक्टली नहीं कह सकते लेकिन हाँ कुछ प्रश्नाकार रूप में अनुमान लगाएगा कि क्या नॉनवेज खाने से कैंसर होता है। अब यहां पे क्या है कि वो अनुमान लगा रहा है क्या नॉनवेज खाने से कैंसर होता है। इसी के साथ कुछ और भी प्रोजेक्शंस रखेगा कि क्या कुपोषण से, सॉरी हम कैंसर बोल रहे हैं, कोरोना होता है, क्या नॉनवेज खाने से कोरोना होता है, क्या कुपोषण से कोरोना होता है, क्या अनिद्रा से कोरोना होता है, क्या गंदगी से कोरोना होता है, क्या मच्छर काटने से कोरोना होता है। अब यहां पे वो क्या है कि कई एक एजम्पशंस मस्तिष्क में क्रिएट कर रहा है, अनुमान बना रहा है कि क्या ऐसा होने से ऐसा। अब यहां पे ध्यान रखेंगे क्या क्या यानी क्वेश्चन का फॉर्मेट है। क्वेश्चन के फॉर्मेट में जब अनुमानों को रखा जाता है तो इसको हम रिसर्च क्वेश्चंस कहते हैं। अब ऐसे शोध जिन पर शोध ज्यादा नहीं हुए या जिन पर जानकारी ज्यादा नहीं है, अनुमान सटीकता से लगाया जाना कठिन है, ऐसे में हम ऐसे शोधों में हम जनरली प्रयोग करते हैं रिसर्च क्वेश्चंस।
सो स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर होगी आपको, रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है। रिसर्च हाइपोथेसिस दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक प्रकार का अस्थायी विचार है, एक अनुमान है जिसका परीक्षण करना शेष है, जो दो या दो से अधिक परिवर्तियों व चरों के मध्य अंतर संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात क्लियर है कि हाइपोथेसिस अ टेम्पररी थॉट और एजम्पशन विच हैज नॉट बीन टेस्टेड एंड विच रिप्रेजेंट द इंटररिलेशन बिटवीन द टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज हाइपोथेसिस, दैट इज It has not been tested, a thing that should be tested. ठीक है, so in that context हम देखें तो चरों के अभी टेस्ट करना बाकी है। और यहाँ पर देखा जाए तो कई बार हम इसे कल्पना समझ लेते हैं, परंतु कल्पना नहीं मानेंगे, क्योंकि कल्पना में तर्क होना जरूरी नहीं है, जबकि शोध के उपकल्पना में तर्क होना जरूरी है। उपकल्पना सदैव तर्क की कसौटी पर ही कसी जाती है। अब स्टूडेंट्स, इस आधार पर देखा जाए तो घटनाओं के संभावित संबंधों के बारे में केवल ऐसे विचार को ही प्राकल्पना की श्रेणी में रखा जाता है जिनकी प्रामाणिकता की जांच वैज्ञानिक तरीके से संभव है। अतः सभी प्रकार के अनुमानित विचार, जैसे ईश्वर पर, जैसे आत्मा पर, पुनर्जन्म पर, प्राकल्पना नहीं बनाई जा सकती। ऐसे प्राकल्पना जल्दी शून्य प्राकल्पना या नल या अघोषित या इनवैलिड घोषित कर दी जाती है। तो प्राकल्पना परीक्षण के लिए संभावित संबंधों के बारे में जो कथन है, इसका निश्चित एवं तथ्य आधारित होना आवश्यक है। सारांशता कहें, एक लाइन में बहुत गंभीर बात है, एक लाइन में जब कभी भी आपसे कोई अगर पूछ ले कि व्हाट इज हाइपोथेसिस, तो मेरी इस लाइन को कोट कर लीजिए, मस्तिष्क में डाल लीजिए। वैज्ञानिक परीक्षण योग्य अनुमानित विचार ही एक प्राकल्पना होती है। दैट इज साइंटिफिकली टेस्टेड एलिजिबल अज्यूम्ड थॉट इज हाइपोथेसिस। क्लियर, एकदम क्लियरली मस्तिष्क में डाल दीजिए। वैज्ञानिक परीक्षण योग्य अनुमानित विचार ही एक प्राकल्पना होती है। साइंटिफिकली टेस्टेड एलिजिबल एज्यूम थॉट इज हाइपोथेसिस। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस क्लियर हो गया आपको, रिसर्च क्वेश्चन क्लियर हो गया। रिसर्च क्वेश्चन जनरली एक चीज और बता रहे, रिसर्च क्वेश्चन जनरली डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी पे अधिक प्रयोग करता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा, जो कि एक दो वीडियो के बाद अपलोड होगा, तो लेकिन उस वक्त मैं आपको सारे रिसर्च मेथोडोलॉजी जो मैक्सिमम प्रयोग होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन करूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी में जनरली हम क्या है के तथ्यों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, और सोशियो साइकोमेट्रिक रिसर्च में हम डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए रिसर्च हाइपोथेसिस के स्थान पर रिसर्च क्वेश्चंस को बनाए जाने पर प्रेशर या फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, लेकिन फोकस किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस के स्थान पर। Now we are discussing about the types of hypothesis. What are types of hypothesis? So types of hypothesis को हम दो प्रकार के वर्गीकरण में कर सकते हैं। सबसे पहले एक general वर्गीकरण, general classification, और एक है specific classification. General वर्गीकरण सामान्य characteristics के आधार पर, जैसे bivariate hypothesis. Bivariate यानी द्वि परिवर्ती उपकल्पना। अब द्वि परिवर्ती उपकल्पना क्या है? दो चरों वालों, यह सर द्विपरिवर्ती या चरों के बीच संबंध प्रकट करने वाली प्राकल्पना द्विपरिवर्ती प्राकल्पना कहलाती है। इस प्रकार दो चरों वाली, दो वेरिएबल्स, वेरिएबल के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा, वहां वेरिएबल्स को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ एक वीडियो में क्लियर कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कॉन्सेप्ट्स वेरिएबल के लिए मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया है, शॉर्ट वीडियो, उसको देख लीजिएगा। So what is a hypothesis? What is the bivariate hypothesis? तो मैं इसको फिर से बताऊंगा आपको, दो चरों के बीच, by यानी दो, variate यानी variables, तो दो चरों के बीच अंतर संबंधों को प्रकट करने वाली प्राकल्पना द्विपरिवर्ती प्राकल्पना कहलाती है। The hypothesis representing the relation between the two variables is known as bivariate
हेपेटाइटिस। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीवेरिएट हेपेटाइटिस, बहुपरिवर्ती उपकल्पना, दो या दो से अधिक परिवर्तियों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करने वाली प्रस्थापना को बहुपरिवर्ती प्राकल्पना कहते हैं। That is the hypothesis representing the relationship between the two or more than two variables is known as multivariate hypothesis. स्पष्ट है कि जब दो variables वाले हों, जैसे धूम्रपान से कैंसर होता है, तो धूम्रपान और कैंसर, these are the two variables, दो परिवर्तित, दो चर, इन चरों के बीच में अंतर संबंध को खोजना होगा। बहुपरिवर्त, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर वेरिएबल वाले वीडियो में और एक्सप्लेन किया है, लेकिन शॉर्ट में बताएं तो बहुपरिवर्ती यानी बहुत से चरों वाले। अब जैसे हमने कहा कि धूम्रपान से कोशिका विखंडन होता है जिससे कैंसर होता है, तो धूम्रपान, कोशिका विखंडन और कैंसर, तो यहाँ पे स्मोकिंग इफेक्ट्स द सेल डिस्ट्रक्शन कॉजेज कैंसर, तो स्मोकिंग, सेल डिस्ट्रक्शन एंड कैंसर, दीज आर द थ्री टर्म्स, थ्री वेरिएबल्स यूज्ड इन अ हाइपोथेसिस। ऑलराइट, सो हियर इट इज वेरी क्लियर दैट ये जनरल क्लासिफिकेशन में देखें तो बायवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट, दो प्रकार के ये हाइपोथेसिस हो गए। नाउ इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस की बात किया जाए, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो सबसे पहले नाम आता है नल हाइपोथेसिस, नल के बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और फिर है वर्किंग हाइपोथेसिस। नल, अल्टरनेटिव एंड वर्किंग। नल क्या है? शून्य या निराकरणीय प्राकल्पना। अब इसके तीन पहचान होते हैं, जब दो या दो से अधिक चरों के बीच में कोई संबंध ना हो। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो कॉपी पेन लेके लिखते चले, जो हमारे ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनके पास इसका मैंने नोट्स सप्लीमेंट में भेज देता हूं, तो वो ऑलरेडी इसको देख लेते हैं, स्टडी करते चलते हैं। तो आप अगर न्यू हैं और हमारे फॉलोअर्स में हैं तो आप जस्ट इसको लिखते चलिए। फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, जब दो चरों के बीच में कोई अंतर ना हो। दूसरा, जब दो चरों के में विपरीतार्थक अर्थ, विपरीतार्थक संबंध हो, व्हेन दे आर टोटली डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, जस्ट अपोजिट बात कह रहा हूं, अपोजिट बात कह रहा हूं। एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज व्हेन देयर इज अ यूनिवर्सल अप्रूवल ऑफ एनी यूनिवर्सल ट्रूथ, व्हेन देयर इज डिसअप्रूवल ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, जब कोई सार्वभौम सत्यता का विरोध प्रस्तुत किया जा रहा हो। तो फिर से कहूंगा, नल अर्थात शून्य एक ऐसी परिकल्पना जिसके द्वारा दो परिवर्तनों के बीच शून्य संबंधों को, यानी कोई संबंध ना होने को प्रकट किया गया हो। ठीक है, शून्य संबंधों से तात्पर्य किसी प्रकार के संबंध का ना होने से है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो दो परिवर्तनों के बीच किसी प्रकार का अंतर ना होना। एक चीज ध्यान रखिए, नल हाइपोथेसिस को एच नॉट, एच और जीरो इस सिंबल से निरूपित किया जाता है। अब यहां तीन बातें हमारे सामने क्लियर है कि जब दो परिवर्तनों के बीच में कोई संबंध ना हो, दूसरा दो परिवर्तनों के बीच में कोई अंतर ना हो अर्थात विरोध हो, और तीसरा जब कोई सार्वभौम सत्य को डिसअप्रूव किया जाए यानी असत्य घोषित किया जाए। जैसे अब हम उदाहरण के साथ इसको रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, स्त्रियां और पुरुषों की औसत बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। तो जैसे हमने ये बात कहा कि स्त्रियां और पुरुषों की औसत बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं होता, तो इट कैन नॉट बी एग्जामिनाई, इसको जांचा ही नहीं जा सकता कि पुरुष ज्यादा समझदार है या महिला ज्यादा समझदार है। तो जिस ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको जांचने की अभी कोई विधि नहीं और ऐसा जांचा नहीं जा सकता, तो अगर शोधार्थी ने ऐसे किसी उपकल्पना का निर्माण किया, दैट शुड बी नल हाइपोथेसिस। इसी के साथ दूसरी बात करें तो शिक्षा का गतिशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये एकदम नेगेटिव बात, ये एकदम अपोजिट, यूनिवर्सल ट्रुथ का डिसअप्रूवल हो गया। जैसे यह बात सत्य है कि जहां शिक्षा है वहां पर गति मोबिलिटी रहती है, देर इज मोबिलिटी इफ देर इज एजुकेशन। और अगर हम इसके ऊपर उलट बात कहें कि देर इज नो डिफरेंस ऑफ मोबिलिटी ऑन एजुकेशन, तो ये सरासर गलत हो जाएगा, ये नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। एक गांव है जहां पर एजुकेशन है तो उस क्षेत्र में क्या है, गतिशीलता है। अगर उसके आसपास के गांव में देखिए अगर एजुकेशन नहीं है तो वहां चेंजेस बहुत कम देखेंगे,
वहां पे गतिशीलता नहीं होगी। सिमिलरली जैसे एजुकेशन है तो वो शहर की ओर बढ़ने लगता है, और एजुकेशन नहीं है तो ग्रामीण परिक्षेत्र में अविकसित अवस्था में रहता है। ऐसे ही एजुकेशन क्या है, वो समाज सोसाइटी व्यक्ति को बदलता है, तो मोटिव मोबिलिटी तो लाता ही है, जबकि जहां एजुकेशन नहीं तो मोबिलिटी नहीं हो पाती। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा गतिशीलता लाती है, और अगर ये कहे कि शिक्षा का गतिशीलता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो यूनिवर्सल ट्रुथ का डिसअप्रूवल हो गया। अब एक और उदाहरण कहूंगा, जैसे स्त्रियों और नारियों की शक्ति में विभेद पाया जाता है। अब जब दो चरों के बीच में कोई अंतर ना हो, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, दो चरों के बीच में कोई अंतर ना हो तो भी वो नल हाइपोथेसिस होगा, क्योंकि भाई स्त्रियां और नारियां तो एक ही बात है ना। वी कांट से द फीमेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम वुमेन्स, वुमेन्स एंड फीमेल्स दीज आर द बोथ आर द सिमिलर कॉन्सेप्ट, सो इन दैट कॉन्सेप्ट वी कांट से दैट देयर इज डिफरेंस। सो इस कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम नहीं कह सकते कि कोई डिफरेंस है। तो वुमेन्स और फीमेल्स में पोटेंशियल में डिफरेंस को ढूंढना ये भी नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। अगला, नारी कितना सच कितना झूठ। अब नारी कितना सच और कितना झूठ, अब अगर ऐसा कहा जाए वुमेन हाउ मच राइट एंड हाउ मच रॉन्ग, दैट कुड नॉट बी टेस्टेड एंड दैट इज जस्ट लाइक अ फैलेसी, यानी ये एकदम फैलेसी, तो इसको नहीं जांचा जा सकता। तो हम किसी कम्युनिटी को किसी एक व्यक्ति के आधार पे जज नहीं कर सकते कि मुस्लिम समुदाय ऐसा होता है किसी मुस्लिम को देखकर, या किसी भी इंग्लिश पीपल को देख के पूरे इंग्लैंड को हम जज कर लें। सो यह कह देना कि नारी कितना सच कितना झूठ भी एक फैलेसी है, ऐसे में हम इसको भी नल हाइपोथेसिस में रखेंगे। क्लियर? तो अब यहां पे मैंने आपको नल हाइपोथेसिस क्लियर कर दिया। तीन बातें फिर से कहूंगा नल हाइपोथेसिस में। पहली बात है कि व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स, जब दो चरों में कोई डिफरेंस ना हो तो उसे हम नल हाइपोथेसिस कहेंगे। जब दो चरों में कोई डिफरेंस ना हो तो हम उसे नल हाइपोथेसिस कहेंगे। दूसरी बात है कि when there is similarity between the two variables, जब दो चरों में समानता ही हो, यानी कोई विरोध ना हो। और तीसरी बात है when there is uniform that universal truth disapproval of the universal truth, कोई सार्वभौम सत्यता का disapproval प्रस्तुत किया जा रहा हो तो। ठीक है, ये मैंने आपको तीनों बात बताते हुए null hypothesis को एकदम clear कर दिया। अब बात करेंगे हम null hypothesis के बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दैट इज वैकल्पिक प्रकल्पना। देखिए, एक रिसर्च स्कॉलर जब अपना सिनॉप्सिस तैयार करता है तो वो अपने सुपरवाइजर के पास सिनॉप्सिस लेकर जाता है, जिसमें चरणबद्ध रूप से कार्य हुआ होता है। सबसे पहले समस्या का चयन, उसके बाद उपकल्पना का निर्माण होता है। तो उसका सुपरवाइजर उपकल्पनाओं का अध्ययन करता है, वो देखता है कि इनमें से कौन सी उपकल्पना सही है और कौन सी नल है। जो उपकल्पनाएं उसे उचित नहीं लगती वो उन्हें नल कर देता है, उपरोक्त आधारों पर जो मैंने अभी आपको चर्चा किया। उसके बाद जो बची हुई उपकल्पना है उन्हें वैकल्पिक उपकल्पना, यानी अभिनय में से चुन लीजिए जिस पर आपको कार्य करना हो। तो इस प्रकार से यानी नल घोषित हो जाने के बाद, यानी शून्य प्राकल्पना की अस्वीकृति के उपरांत जिस प्राकल्पना को स्वीकार किया जाता है उसे हम वैकल्पिक प्राकल्पना कहते हैं। आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस, द हाइपोथेसिस दैट इज एक्सेप्टेड इज नोन एज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। Now, the third is working hypothesis. तो now student have now suppose करें कि 10 उपकल्पनाएं बना करके student अपने supervisor के पास गया। supervisor ने 6 को सही और 4 को null घोषित किया। तो एक चीज और बता दूं, देखिए यहाँ पर null hypothesis कभी कभी गलती से भी बन जाती है और कभी जानबूझ के भी बनाई जाती है। जानबूझ के गलती से तो आप समझ गए, लेकिन जानबूझ के तब जब शोधार्थी ये चाहता है कि कोई ऐसा उपकल्पना चयन कर लिया जाए जो उसकी इच्छा, जिसमें उसकी इच्छा समाहित हो, तो वो कोई बहुत गलत तर्कों के साथ उपकल्पनाएं निर्मित कर देगा, जिससे सामान्य तर्क वाले गलत उपकल्पना भी सही साबित हो जाए। यानी एक बड़ी भूल खड़ी कर दी जाए तो छोटी भूल पर नजर अंदाज हो जाता है। ऐसे में शोधार्थी जानबूझ के इस प्रकार के कृत्य करता है जिससे कि बड़ी भूल को नजरअंदाज कर दिया, हटा दिया जाए और छोटी भूल को एक्सेप्ट कर लिया जाए, यानी यहाँ पर एरर की बात की जाएगी।
ठीक है, मैं आपको किसी अन्य विकल्प वीडियो में से और डेप्थ में समझाऊंगा, यहाँ पे चूंकि अगला टाइप्स की बात है तो टाइप्स को करूंगा। तो वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है, किसी अनुसंधान विषय के बारे में प्रारंभिक अनुमान या अनुमानों को जुटाने के बाद का जिस उपकल्पना पे कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस, कार्यकारी उपकल्पना। यानी पर्याप्त जानकारी जुटाने के बाद मुख्य अंतिम प्राकल्पना की रचना की जाना ही यहाँ पर कार्यकारी उपकल्पना है। After collecting enough knowledge, the main or the last hypothesis that is formulated for the research basis that is said to be working hypothesis. इस दृष्टिकोण से कार्यकारी उपकल्पना जिस पर finally research हो रहा है। तो आपने समझ दिया, that is synopsis तैयार की गई, 10 बनाए गए यहाँ पर research hypothesis, उसमें से 4 को reject कर दिया गया, 6 बचे, 6 में से जिस पर कार्य करते हुए final research done हुआ, research किया गया, वो हो गई working hypothesis। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन और टाइप्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस का इन डेप्थ एनालिसिस दिया। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम का होगा, और इस वीडियो को पसंद करें तो लाइक करें, तो आप इसको फॉरवर्ड करें, कमेंट दें, और जितने लोग हों उनके साथ शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वैसे सब्सक्राइब करें, और मोरोवर जिससे मेरा एक प्रकार से मनोबल बढ़े और मैं और भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं। सो इसके साथ ही आपसे धन्यवाद, तो नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे सैम्पलिंग एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, उसके साथ प्रस्तुत होऊंगा। सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो लंबा वीडियो रहेगा, तो जस्ट वेट फॉर दैट, आई विल बी सून विद यू। नमस्कार।